आइए इनसे मिलवाते हैं, हमारे इस साल के जो 8 में जो बच्चे थे जो पास होके चले गए हैं, देखते हैं इनकी क्या इच्छा है, ये क्या बनना चाहते हैं बच्चों। तो सबसे पहले सभी बच्चों का स्वागत है फिर से विद्यालय में। आप लोग अपनी टीसी लेने के लिए आए हैं, तो आज हम आपसे बात करेंगे और आप बताएंगे कि आप जब विद्यालय में आते तो आपने विद्यालय से क्या सीखा। तुम बताओ बेटा, क्या सीखा विद्यालय से? हाँ बताओ, तुम्हें विद्यालय आने अच्छा लगता था? तो छुट्टी करती थी कि नहीं? सही बोलना, करते थे। लेकिन आगे अगर अपनी पढ़ाई को जारी रखना है तो छुट्टी कम करना, पढ़ने में मन लगाना। तुम बताओ गौरी, बहुत ही अच्छी लड़की हमारे विद्यालय की। मैम हमने ये स्कूल से ये सीखा, यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी होती है और हम बड़े होके डॉक्टर बनना चाहते। बड़े होके डॉक्टर बनना चाहती, बहुत अच्छी बात है। और तुम्हारे में बनने के लक्षण भी पूरे हैं, बहुत तेज भी पढ़ने में हो। लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि हम पढ़ लेते हैं, हम तेज है और हम थोड़ी मेहनत को ढीली कर दे। नहीं, मन लगा के और मेहनत करना ताकि तुम्हें सफलता जरूर मिले। हाँ तुम बताओ बेटा, कैसा लगता तुम्हें स्कूल आने में? यहाँ जब आती थी बहुत अच्छा लगता। अच्छा लगता था? अच्छा, तुम क्या बनोगी बड़े होके? क्या बनना चाहती हो? अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन आप डिसाइड कर लो आप क्या बनना चाहती हो। पढ़ाई को किसी भी हालत पर छोड़ना नहीं, पढ़ना जरूर। हाँ तुम बताओ बेटा नैनाथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, डॉक्टर बनना चाहते। ये वो बच्चे हैं जो हमारे विद्यालय में रोज आते थे, चाहे पानी बरसे या जो कुछ भी हो इनका आना। और ये शिवम, इनसे मिलिए। ये विद्यालय में पंक्चुअल में अगर कहा जाए तो ये बहुत ज्यादा पंक्चुअल है और डेली ही विद्यालय आते थे। अब बेटा तुम क्या, कैसा लगता था विद्यालय में जब आते हो? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, पढ़ाई तुमने पढ़ाई अच्छी होती है। अच्छा ये बताओ तुम क्या बनोगे बड़े होके? कलेक्टर। अरे वाह भाई, बहुत अच्छा। तो इन सबकी ये मनोकामनाएं हैं और ईश्वर इनकी मनोकामनाएं जरूर पूरा करे। तो थैंक यू बच्चों।